हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड्समैन 2020 रिक्वायरमेंट, आप लोगों ने जो फॉर्म डाले हैं वो फॉर्म कितने पहुँचे हैं और आखिरकार हर एक पोस्ट में आपको कितना कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों, आपको यदि जॉब चाहिए तो आप लोगों को कितने लोगों से फाइटिंग करनी रहेगी एक पोस्ट के लिए, प्रत्येक एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है पोस्ट वाइज, हम वो देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। ओके, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके भाई हैं, उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिरकार प्रत्येक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है, एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है आपकी पोस्ट वाइज हम बताने वाले हैं, जो कि न्यूज हमको ऑफिशियल प्राप्त हुई है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं सर आखिरकार टोटल जो फॉर्म्स हैं वो कितने डले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए पहले से लिख रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या 5 लाख। जी दोस्तों, 5 लाख के प्लस आप लोगों के जो फॉर्म है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, आपके फॉर्म इतने डले हैं 5 लाख प्लस। अब प्लस कितने, तो दोस्तों हो सकता है 100, 200, 500, यहाँ पर एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, बट जैसा डाटा हमको अवेलेबल हुआ है वो हम आपके यहाँ पर बताने वाले हैं। आप दोस्तों, ये तो हुआ क्या कि सर यहाँ पर 5 लाख हम फॉर्म मान के चलते हैं, 5 लाख फॉर्म डले हैं, बट हमने तो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हम कैसे जाने कि हमको एक पोस्ट या एक आपकी जॉब में एक पोस्ट पाने के लिए उसमें कितने बच्चों से फाइट करना होगा, कितनों के बीच में हमारा कॉम्पिटिशन रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वन बाई वन करके पोस्ट वाइज आप लोगों का कॉम्पिटिशन। हाँ, तो डिफेंस आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सर पोस्ट वाइज हम लोगों का जो कंपटीशन है वो कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एएसआई, एएसआई और आपका जो सब इंस्पेक्टर है, इन सभी के लिए देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमको डाटा अवेलेबल हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो है करीबन 50,000। कहने का मतलब दोस्तों, 50,000 के प्लस आप लोगों के फॉर्म डले हैं। आप 50,000 के प्लस मतलब 2, 10, 100, इतने फॉर्म आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अब इसके लिए हमको कंपटीशन निकालना है कि सर एक व्यक्ति या एक पोस्ट पाने के लिए कितने से फाइट करना होगा, ये बताइए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको देखना होगा इसकी क्या टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो दोस्तों, टोटल पदों की संख्या देखने के लिए आपको आना होगा कहाँ पे, आपको आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन ओपन करना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर काउंट करेंगे, आपकी टोटल जो सीट्स हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, आपका एएसआई, एएसआई और आईएनएस के लिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा क्या, सबसे पहले 1, इसके बाद 175, 8 एंड आप देख सकते हैं 84, फिर है 5 एंड इसके साथ साथ टोटल 4 है, टोटल 64 है एंड इसके बाद आता है 1। आप इन सभी को प्लस करेंगे तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्या, यदि आप इनको प्लस करेंगे तो आपकी संख्या निकल के आएगी कितनी, 341। जी हाँ दोस्तों, आपकी टोटल संख्या निकल के आएगी 341। कहने का मतलब 341 आपकी पोस्ट है जो ब्लैंक है इन सभी पोस्ट के लिए। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर कॉम्पिटिशन कैसे निकाले, तो दोस्तों आपको करना होगा क्या, आपको आपका जो 50,000 फॉर्म है इसको डिवाइड करना होगा 341 से। जब आप आपके 50,000 को 341 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा कितना, 146। कहने का मतलब 146। जी दोस्तों, यदि आपको एक पोस्ट चाहिए तो आपको 146 लोगों को पछाड़ना होगा, या कहने का मतलब पीछे छोड़ना होगा। इन लोगों से आपकी फाइटिंग है, इन लोगों के बीच आपका कंपटीशन है, एक पोस्ट पर 146 लोग खड़े हैं लाइन लगा के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके जो पद हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अगली स्लाइड में हम आ गए हैं और यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके एससीआई हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो कि विभिन्न पदों पर निकाली गई है, इसमें टोटल फॉर्म डाले हैं कितने। जी हाँ दोस्तों, आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या है 80,000। कहने का मतलब 80,000 प्लस आप लोगों के इसमें फॉर्म डले हैं।
अब प्लस में आपके 10 से लेके 100 तक आराम से हो सकते हैं, बट आपका जो एवरेज रन है वो यहाँ पर 80,000 फॉर्म आपके डले हैं। आप सर यहाँ पर कैसे फाइंड करें कि हमारा कंपटीशन कितने लोगों के बीच है, तो इसके लिए आपको जाना होगा क्या ऑफिशियल आपके नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका जो पोस्ट मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आप एससी का देख सकते हैं, टोटल 88 है। किसका है? आप नर्स असिस्टेंट और ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो दोस्तों आपको एससी कांस्टेबल एएनएम का भी यहाँ पर 3 पोस्ट दिख रहा है। इसके बाद आपको एससी कांस्टेबल डॉलर से टेक्नीशियन का 8 पोस्ट दिख रहा है। इसी प्रकार से आपका हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट्स का 8 यहाँ पर 84 पोस्ट दिख रहा है। और इसके बाद बात करते हैं एससी कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट का, आपको 5 टोटल दिख रहा है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में 1 पोस्ट दिख रहा है, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ट में 3 पोस्ट दिख रहा है। आपका कांस्टेबल यहाँ पर खत्म होता है हेड कांस्टेबल। इसके बाद कुछ पोस्ट है जो कि यहाँ पर वेटनरी से रिलेटेड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल आपका वेटनरी का 3 पोस्ट है, और इसके बाद आपका हेड कांस्टेबल टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है। जब दोस्तों आप इसको प्लस करेंगे तो आपकी टोटल संख्या निकल के आएगी कितनी, 197। जी हाँ दोस्तों, 197 आपकी वैल्यू निकल के आएगी। और जब दोस्तों आप यहाँ पर 80,000 को डिवाइड करेंगे 197 से, तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आएगा दोस्तों, आपका कंपटीशन का जो लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा कितना, आपका मिलेगा 406 या 406 लोग। जी दोस्तों, आपके यहाँ पर कंपटीशन है 406 लोग के बीच में एक पोस्ट, या 406 कैंडिडेट के बीच में एक पोस्ट। मतलब कि आपको यदि एक पोस्ट चाहिए तो आपको 406 कैंडिडेट को पीछे छोड़ना होगा, इनके बीच में आपकी फाइटिंग होने वाली है। चलिए, हमने यहाँ पर जान लिया है एससी कांस्टेबल का। आप जानते हैं हम लास्ट जो कि आपका कांस्टेबल या ट्रेड्समैन का है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम आ गए अगली स्लाइड में और बात करते हैं सर सीटी। सीटी का मतलब दोस्तों कांस्टेबल ट्रेड्समैन, मसालची, धोबी, टेबल बॉय, आपका बारबर हुआ, आपका कुक हुआ, आपका सफाई कर्मचारी हुआ, इत्यादि। दोस्तों भाद यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई, आप लोगों के फॉर्म बहुत ज्यादा डले हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पर डाटा अवेलेबल हो रहा है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो यहाँ पर 360,000 के अबव जा रहा है। मतलब 360,000 के प्लस आप लोगों का फॉर्म डला है, प्लस में 100, 200, 500 तक हो सकता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर बोलेंगे सर कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिरकार आपकी पोस्ट कितनी ब्लैंक है। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और आप यहाँ पर अच्छे से रीड करेंगे तो कांस्टेबल मसालची से आप स्टार्ट करेंगे, आपकी टोटल 4 यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रही हैं। इसके बाद आपको देखिएगा कांस्टेबल कुक, तो दोस्तों आपको टोटल दिख रहा है कितना, 116। जी दोस्तों, इसी प्रकार से आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे सर यहाँ पर कितनी, तो दोस्तों आप कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म से आप सीट से कितनी, 121 या 121। इसी प्रकार से कांस्टेबल धोबी वाशरमैन का आपका यहाँ पर 5 पोस्ट है, और आपका कांस्टेबल बीसी का यहाँ पर 3 पोस्ट है, कांस्टेबल टेबल बॉय का यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर आप इनको टोटल करेंगे तो आपको संख्या निकल के आएगी कितनी, जी हाँ दोस्तों आपको संख्या निकल के आएगी 263। फैंस को बता दें, जब आप यहाँ पर आपका 360,000 को आप डिवाइड करेंगे 263 या 360,000 को आप डिवाइड करेंगे 263 से, तो आपके समक्ष यहाँ पर वैल्यू निकल के आने वाली है कितनी, 1368। जी दोस्तों, 1368 लोगों को आपको पीछे छोड़ना होगा, तब जाके आपको कहीं एक पोस्ट मिलने वाली है। जी दोस्तों, सबसे ज्यादा कंपटीशन यदि है तो वो है आपके ट्रेड्समैन में, और खासकर किस में, आपका स्वीपर या सफाई कर्मचारी में। ऐसा बोला गया है, ऐसा नोटिस में दिया गया है कि आपके मैक्सिमम फॉर्म डले हैं। आप दोस्तों कोई सोचे कि इतना ज्यादा कंपटीशन है और मैं मस्त, जब मेरा फिजिकल का टाइम आएगा तब मैं फिजिकल करूंगा, जब मेरा पेपर का टाइम आएगा तब मैं पेपर की तैयारी करूंगा, तो वो सबसे बड़ा गवार और मूर्ख व्यक्ति है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अभी से तैयारी करनी होगी, आपको अभी से अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करनी होगी। किसी भी कंडीशन में आपको फिजिकल में आउट नहीं होना, और ना ही आपको किसी भी कंडीशन में पेपर में कम मार्क्स लाने हैं यदि आपको जॉब चाहिए तो, वरना आपके जैसे तैयारी करने वाले बहुत से होंगे। और आप इस चीज को देखकर अभी टेंशन ना लें कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इस कंपटीशन के चलते भी इसमें से बहुत से फॉर्म अभी रिजेक्ट होने बाकी हैं। कैसे?
जो डेट के टाइम से पहुंच गए बट कोई इंटरनल मिस्टेक से, मतलब कि यदि फॉर्म के अंदर कोई त्रुटियां पाई जा रही हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ बहुत से कैंडिडेट पेपर देने नहीं जाएंगे, बहुत से कैंडिडेट फिजिकल देने नहीं जाएंगे, बहुत से कैंडिडेट फिजिकल में आउट हो जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत से कैंडिडेट जो हैं टेट टेस्ट में आउट हो जाएंगे, बहुत से कैंडिडेट हैं आपके जो आपके रिटर्न एग्जाम में निकल जाएंगे। आप ऐसी सोच के साथ तैयारी जारी रखें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।